प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका शिव मनोज। प्रयागराज के शंकरगढ़ से बड़ी खबर बताते हैं। नगर पंचायत शंकरगढ़ में पानी के लिए मचा हाहाकार। प्याज बुझाने के लिए बूंद बूंद पानी के लिए दर दर भटक रही शंकरगढ़ की जनता। शंकरगढ़ जल निगम पहुंचे अधिकारियों और जनता के बीच हुई नोकझोंक। आपको बता दें कि शंकरगढ़ की चरमराई पेयजल व्यवस्था को देखते हुए शंकरगढ़ पहुंचे जल निगम के चीफ गुलाब चंद दुबे व उप जिला अधिकारी बारा संदीप वर्मा सहित जल निगम के समस्त अधिकारी ने निरीक्षण किया और साथ ही साथ चीफ ने पानी की समस्या को देखते हुए तत्काल रामसागर तालाब में नया नल को बनवाए जाने का आदेश भी दिया है। साथ ही नगर में पाइपलाइन में आने वाले गंदे पानी को ठीक करने का आदेश कर्मचारियों को दिया और कहा कि शासन द्वारा पास हुई 4,68,00,000 की परियोजना का कार्य जल्द ही चालू करवा कर उसे जल्द से जल्द पूरा करने का कार्य किया जाएगा। अखिल भारतीय एकता परिषद के प्रदेश महामंत्री व पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष अनूप केसरवानी ने कहा कि शासन द्वारा परियोजना के नाम पर जो पैसा नगर पंचायत शंकरगढ़ में 3 माह पहले स्वीकृत किया जा चुका है उसे गंभीरता से लेकर पारदर्शिता दिखाते हुए कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए जिससे शंकरगढ़ की जनता को राहत मिल सके। और व्यापार मंडल अध्यक्ष मूलचंद गुप्ता व महामंत्री रतन केसरवानी ने कहा कि अगर जल्द ही शंकरगढ़ में पेयजल व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त न किया गया तो समस्त नगरवासियों ने व्यापारी एकत्रित होकर जल निगम कार्यालय को घेराव करेंगे। मौके पर मौजूद हुए लोग गोपाल दास गुप्ता, मूलचंद केसरवानी, रतन केसरवानी, अनूप केसरवानी, अरुण चौरसिया, कुलदीप केसरवानी, गुड्डू केसरवानी, जय केसरवानी आदि लोग मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज शंकरगढ़ से कोऑर्डिनेटर हेड विनय कुमार साहू की रिपोर्ट। दिलाइए हमको पानी, दिलाइए टैंकर। टैंकर किसको मिल रहा है? कितने टैंकर वहाँ पे हैं? आप पब्लिक से बोले होंगे, आपके यहाँ पानी आता है कि नहीं आता? ठीक है, आज पब्लिक की हैसियत से आप अपने आज पानी की समस्या को लेकर तो आपने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है? एक तो यहाँ के लिए एक योजना स्वीकृत हुई है 4,50,000,000 रुपए स्वीकृत हुआ है और उसका 50,00,000 रुपए ईओ साहब के पास आ गया है। उसमें नारीवाड़ी से यहाँ तक लोहे की पाइपलाइन डाली जाती है। वो कार्य हम के ईओ साहब की समिति मिल जाएगी तो 2-3 दिन में शुरू करेंगे। तो सर अभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आपने अभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए टैंकर की संख्या बढ़ा करके टैंकर को रेगुलर चलाना ताकि हर वार्ड में कम से कम 1 टैंकर 2 टैंकर रोक पाए। इस व्यवस्था के लिए एसडीएम साहब और यू साहब के साथ मिलकर एक सामंजस्य बैठाया जा रहा है। पानी कहाँ से ले आएंगे स्रोत देखने लोग जा रहे हैं। सर आपने टैंकर व्यवस्था तो कर ली है, ट्रैक्टर की समस्या आया है वो भी हम लोग समस्या निराकरण करेंगे डीएम साहब के साथ बैठ करके उसका रास्ता। और सर जो कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पानी नहीं पा रहा है, सर पानी आप कहाँ से देना चाहेंगे? कहाँ से मतलब आएगा कि आप उन्हें डिलीवर कराएंगे टैंकर को भरने के लिए? उसी व्यवस्था के लिए ईओ साहब और एसडीएम साहब जा रहे हैं देखने, ये लोग जाके तय कर लेंगे। और सर बोर के लिए क्या कहना चाहेंगे? बोर जो जैसे ये लोग खराब है और लोग साइड देखने जा रहे हैं।